मेनका गांधी का इसौली परिवार, सोनू मोनू के आतंक पर प्रहार, इसौली में होगी भाजपा की जय जयकार। सांसद मेनका गांधी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के बारे में सनसनीखेज खुलासे किए। उन्होंने दो टुक कहा कि उनके लोकसभा चुनाव के दौरान इसौली विधानसभा के 70% भाजपा कार्यकर्ताओं का पेट दर्द करने लगा था। कुछ कार्यकर्ताओं को डर के मारे लकवा भी मार गया था। जी हाँ, यकीन ना हो तो खुद ही सुन लीजिए। आप अपने आप को बूथ अध्यक्ष बोलोगे, लेकिन मेरे इलेक्शन में चाहे माहौल उस समय अच्छा नहीं था जितना अब है, लेकिन उस समय तो 70% इसौली में बूथ अध्यक्ष के पेट में दर्द हो गया था, सिर में दर्द हो गया था, लकवा से मारे गए थे, दिल का दौरा पड़ गया था, इसका कोई फायदा है? दरअसल मेनका गांधी इसौली विधानसभा के दिल्ली बाजार में भाजपा के कार्यकर्ता अभियान का शुभारंभ करने पहुंची थी। विकास शुक्ला की देखरेख में आयोजित कार्यकर्ता अभियान में मेनका गांधी ने अप्रत्यक्ष रूप से पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू और उनके ब्लॉक प्रमुख भाई यशभद्र सिंह उर्फ मोनू पर हमलावर दिखाई। मेनका गांधी ने साफ कहा कि 2022 में हमें किसी भी कीमत पर इसौली चाहिए। वैसे इसौली का पुराना रिकॉर्ड देखकर मेनका गांधी घबराहट में हैं, जिसको उन्होंने मंच से स्वीकार भी किया। अब मुझे घबराहट है, मुझे इसौली चाहिए। हम अच्छे से अच्छे कैंडिडेट दे देंगे और मैं खुद, आप तो जानते हैं, मैं खुद आऊंगी, क्योंकि मैं एक ही लक्ष्य के साथ आई हूँ सुल्तानपुर में। मेरा और कोई लक्ष्य नहीं, ना मैंने यहाँ पैसे बनाने, ना मैंने ठेके लेने हैं, ना मेरा यहाँ कोई चाचा या मामा लगता है, ना मेरा घर है यहाँ। मैंने कोई 12-15 लाख में कोई घर तो खरीदा नहीं है और ना मैंने खरीदना है। मैं आई हूँ सबका भला करने, सबका, और एक तमीज़ लाने, जो लड़ाइयों को कम करना, दहशत को कम करना, माफिया वालों को कम करना, सरकार के ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी ला करके सुल्तानपुर में डालना, और फिर आप लोग डरेंगे और फिर आप लोग भागेंगे तो क्या कर। मैं 2-3 दफा ही कुएं से निकाल सकती हूँ इंसान को। बार बार अगर छलांग मारता कुएं में तो हम भी हार मानने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए मैं केवल इतना ही कहने आ रही हूँ कि आप लोग सदस्य तो खुशी से बन जाए, लेकिन सदस्यता की जिम्मेदारी भी समझे। सुल्तानपुर सांसद मेनका गांधी 2022 में इसौली सीट पर भाजपा की जीत को लेकर कितनी गंभीर है, यह आपने देखा और सुना भी। वैसे गंभीर हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ से ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू चुनाव लड़ते हैं। हालांकि मोनू सिंह भी 2 बार से लगातार चुनाव हार ही रहे हैं। वैसे 2017 की प्रचंड लहर में भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश पांडे बजरंगी दूसरे नंबर पर थे। वहीं 2012 में भाजपा के रामचंद्र मिश्रा किस नंबर पर थे, किसी को याद नहीं है। रही बात 22 की, तो इसौली कौन जीतेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे पिछले 10 सालों से सपा के अबरार अहमद का इसौली पर कब्जा बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।